Hello everyone. I hope you all are doing good and are staying safe in this pandemic and have also taken your jabs to fight against COVID-19. So we from Forensic Solutions has come up with a new tutorial on cyber forensic. Today we will be watching live demonstration on how forensic imaging, forensic cloning and hashing has been performed. So सबसे पहले तो ये फॉरेंसिक इमेजिंग क्या होती है, फॉरेंसिक क्लोनिंग क्या होती है और ये हैशिंग क्या होती है. तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं साइबर फॉरेंसिक में. तो अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डोंट वरी, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है सेपरेट से जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि फॉरेंसिक इमेजिंग, क्लोनिंग और हैशिंग क्या होती है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है सो डोंट वरी, आई हैव जस्ट पुट अप द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड कैन वॉच व्हाट इज फॉरेंसिक इमेजिंग, क्लोनिंग एंड हैशिंग. सो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसे हम परफॉर्म करेंगे विद द यूज ऑफ फॉरेंसिक इमेजिंग क्लोनिंग टूल विच इज सोलोफो. सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोलोफो. सो द इमेज मास्टर सोलोफो इज अ हार्डवेयर विच इज यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन साइबर फॉरेंसिक. द इमेज मास्टर सोलोफो ऑफर्स इन्वेस्टिगेटर्स द एबिलिटी टू कैप्चर साइमल्टेनियसली एट साटा 3 स्पीड फ्रॉम वन सस्पेक्ट ड्राइव टू टू एविडेंस ड्राइव्स. Also, it can capture from two separate hard drives to two individual evidence hard drive. That is, कि जो हमारा सोलो फोर हार्डवेयर है, अगर आप कोई क्राइम सीन पे जाते हैं, आपको वहां पे सस्पेक्ट ड्राइव मिलती है तो आप उस सस्पेक्ट ड्राइव से एक एविडेंस ड्राइव, एक सस्पेक्ट ड्राइव से एक एविडेंस ड्राइव में क्लोन कर सकते हैं या फिर दो सस्पेक्ट ड्राइव से दो एविडेंस ड्राइव में आप क्लोन कर सकते हैं. मैं आपको इसके बारे में पूरा प्रोसीजर, जो एविडेंस के पोर्ट होते हैं या फिर जो सस्पेक्ट के पोर्ट होते हैं, ये सारा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में शो करूंगी कि ये सारे पोर्ट्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं. इवन जो ये सोलो फोर है, इट कैन ऑल्सो कैलकुलेट दी हैश वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ SHA-1, SHA-2 एंड MD5. And also it supports IDE, RAID, eSATA drives as well as variety of micromedia flash drives. जो सोलो फोर है इसे हम SHA-1 हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इवन ये बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स को सपोर्ट भी करता है. सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल बी शोइंग यू दैट हाउ ऑल दीज एक्टिविटीज आर बीन परफॉर्म. जो इमेजिंग है, क्लोनिंग है, हैशिंग है, ये सारी एक्टिविटीज आप सोलो फोर से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. So without any delay, let's get on to the video. So let's start a video. जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा इमेज मास्टर सोलो फोर और ये होती है उसकी स्क्रीन जब आप उसे शुरू करते हैं. यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना पड़ता है. सबसे पहले ये होता है पावर सोर्स. आपको सोलो फोर के पीछे साइड में एक पावर सोर्स मिलेगा. आपको बस पावर चार्जर उसको कनेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन द बटन जिससे ये शुरू हो जाएगा. तो जैसे ये शुरू होते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट की है जो है सस्पेक्ट वन सोर्स में. यहाँ पे आपको दोनों सोर्स मिलेंगे, एक साटा और एक यूएसबी. नेक्स्ट वैसे ही सेम होता है सस्पेक्ट टू में, यहाँ पे भी आपको साटा और सिंपल यूएसबी दोनों मिल जाएंगे. फिर थर्ड उसके बाद आते हैं हमारे ये एविडेंस. एविडेंस के पहले जैसे ये सस्पेक्ट वन है और सोर्स है, यहाँ पे मैंने मेरी एक सिंपल साटा ड्राइव को कनेक्ट किया है साटा केबल से. और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा एविडेंस. जो हमारा जो सस्पेक्ट ड्राइव जो मैंने पहले कनेक्ट किया था उसका मुझे अगर इमेज या क्लोन कहीं ड्राइव पे सेव करना है, जो है मेरी एविडेंस ड्राइव, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी. ये आती है मेरी सस्पेक्ट ड्राइव, ये मैंने साटा केबल से कनेक्ट किया है विद द यूज ऑफ दिस साटा केबल, साटा एंड बाजू में सिंपल यूएसबी. वैसे ही सेम सोर्स टू में भी, सस्पेक्ट टू में भी होगा, दैट इज टारगेट 3, यहाँ पे भी साटा और फिर यूएसबी. जैसे ही आपको जो भी ड्राइव कनेक्ट करनी है आपको ड्राइव कनेक्ट करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोजिशन, आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सी ड्राइव है. तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सस्पेक्ट वन और फिर सिलेक्ट करेंगे एविडेंस वन. तो जैसे ही हमने यहाँ पे ड्राइव सिलेक्ट कर ली जो है सस्पेक्ट वन और एविडेंस वन, उसके बाद हम ऑप्शन चूज करेंगे डिटेक्ट ड्राइव्स का. जैसे ही ऑप्शन चूज होगा उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइव्स दिख जाएगी कि कौन सी ड्राइव इस हार्डवेयर से अटैच्ड है. यहाँ पे देखिए एक WDC हार्ड ड्राइव जो है सस्पेक्ट वन और सेकेंड है तोशीबा जो है एविडेंस वन. ये हार्ड ड्राइव्स हमारी डिटेक्ट हो चुकी है. आपके सारी हार्ड ड्राइव्स डिटेक्ट हो जाती है उसके बाद हम जाएंगे केस इन्फॉर्मेशन पे. यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है जैसे कि इन्वेस्टिगेटर्स नेम, इन्वेस्टिगेटर नंबर, एजेंसी नेम, प्लेस ऑफ सीजर, केस नेम, केस नंबर, सस्पेक्ट नेम, विटनेस नेम. ये बेसिक एक चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म जैसे होता है वैसे ही आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है.
नेक्स्ट हम जाएंगे मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे जैसे इस वीडियो में हम हैश निकालना देखेंगे कि कैसे टाइप की हैश निकालते हैं। हम यहाँ से हैशिंग मेथड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी SHA-1 मेथड। उसके बाद हम जाएंगे टाइप ऑफ ऑपरेशन में कि आपको कौन से टाइप का ऑपरेशन करना है, जैसे कि आपको सिंगल कैप्चर, वाइप आउट, फॉर्मेट राइज या कुछ और हैशिंग के ऑपरेशन सिलेक्ट करना है। सिंगल कैप्चर में होता है कि आप जब एक सस्पेक्ट ड्राइव का आप क्लोन कर रहे हैं, वाइप आउट फॉर्मेट ड्राइव का ऑप्शन, अगर आपको एविडेंस ड्राइव को वाइप आउट करना है या फॉर्मेट करना है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओएस जैसे लिनक्स डीडी कैप्चर, लिनक्स डीडी रिस्टोर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस होते हैं हैश, E01 कैप्चर, E01 रिस्टोर। E01 कैप्चर मतलब कि आपको एक सस्पेक्ट ड्राइव का इमेजिंग करना है। E01 रिस्टोर मतलब कि आपको कोई भी, जैसे कि आपके पास E01 का ऑलरेडी E01 इमेज ऑलरेडी है और आपको उसको रिस्टोर करना है तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है हैश ऑप्शन। हैश ऑप्शन में आपको सिर्फ हैश ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऊपर हमने SHA-1 हैश वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्ट कर दी है। वंस जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो हैश वैल्यू कैलकुलेशन का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा और आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिख जाएगा कि योर हैश ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड, और जैसे ही स्टार्ट होके वो एंड हो जाएगा तो वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जैसे ही हमारी हैश वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद आप सोलो फोर में ही उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर ऑपरेशन हैश करके दिखेगा, केस इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो भी हमने फिलअप की थी। उसके बाद नीचे आपको पूरी ड्राइव की इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुटअप की थी, क्या क्या हैश वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पे आपको रिजल्ट समरी मिल जाएगी। तो इस तरह आप सोलो फोर के यूज से बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम कैसे हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैसे आप E01 कैप्चर, रिस्टोर, सिंगल कैप्चर, वाइप आउट, ये सारा कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको एक स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड सारा ऑपरेशन हो जाएगा। ये बहुत इजी, लाइक इसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा इजी है। आपको ड्राइव्स यहाँ पे आपकी सिलेक्टेड ड्राइव्स, डिटेक्टेड ड्राइव्स दिख जाएगी। उसके बाद आपको सिलेक्ट हैशिंग मेथड एंड देन टाइप ऑफ ऑपरेशन सिलेक्ट करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, ऑल्सो शेयर इट एंड ऑल्सो गिव अ कमेंट। एंड ऐसे ही हमने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं साइबर फोरेंसिक एंड सिक्योरिटी के ऊपर। सो इफ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।